पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के द्वारा सतना जिले में आम जनता की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए हमारे खास अभियान बाढ़ परिक्रमा का सिलसिला लगातार जारी है। पेप्टिक की टीम बीते रोज सतना के बाढ़ क्रमांक 25 में पहुंची और यहां की जनता से उनकी समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान जनता ने अपनी समस्याओं को पेप्टिक टाइम के साथ साझा करते हुए जिम्मेदारों से गुहार लगाई कि उनके बाढ़ में मौजूद दिक्कतों को दूर किया जाए। तो आइए चलते हैं बाढ़ क्रमांक 25 की सैर पर और जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या है प्रमुख समस्याएं। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश की टीम वार्ड क्रमांक 25 पुष्पराज कॉलोनी के भ्रमण पर निकली। इस वार्ड से भाजपा की पार्षद नम्रता सिंह हैं और नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन पार्षद को वार्ड के विकास और आम जनता की आवाज उठाने के लिए अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ना पड़ रही है। इसके पहले उनके पति सुशील सिंह बाढ़ के पार्षद रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें बाढ़ के विकास और जनता के हक की लड़ाई कैसे लड़ना है ये बखूबी आता है, लेकिन फिर भी वार्ड में कई समस्याएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर शहर के अंदर सबसे सुविधा वाला वार्ड क्रमांक 25 कहा जाने वाला इन दिनों निगम प्रशासन की उपेक्षा से जूझ रहा है। इस वार्ड में जिला अस्पताल, सर्किट हाउस, व्यंकट विद्यालय, रेलवे स्टेशन, पुष्करणी पार्क, लाइब्रेरी, शासकीय कन्या महाविद्यालय, जगतदेव तालाब सहित अन्य खास स्थान मौजूद हैं। फिर भी निगम की ओर से इस वार्ड की दुर्गति हो रही है। सुनिए आम जनता क्या कहती है। आप बताइए इस वार्ड में किस तरह की समस्या है। समस्या ये समस्या है कि बहुत ही मेहनत तो बहुत वक्त कर रहा है, लेट हो रहा है, पैसे आया है तो नहीं कर दूर की जो सब कर रहे हैं सब के लिए जो करागत आवास योजना के लिए कब फॉर्म भरी थी आप। बस शुरू में जब हुआ उसके तो मुझे साल हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए जब शुरू हुआ जैसे मैंने फॉर्म भरा। क्या बोला जा रहा है आपको। तो बोलते हैं तुम्हारा बना तो नहीं आएगा, तो हम कहते ठीक है हमारा तो अपने लोन से लेके बनवा दिया, आया बात गिर रहा है हमारा दीवानी के चक्कर गिर रहा है, बड़ा है कोई नहीं देखने वाला। समस्याएं हैं आपकी। अरे बहुत समस्या है साहब, क्या बताइए। घर गिर जाए खटी दीवार एकदम ही घर नहीं बना है, पैसा उसका तो आदमी भरे है अभी तक नहीं आया। दस साल पहले भरी थी। अरे हो गया दो साल पैसे तो नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं आप। हाँ जी, क्या समस्याएं हैं बाबूजी आपके बारे में। देखिए हमारे बारे में सब व्यवस्था पहले थी, अब जब से ये रोड खुल गई है तो चलने में दिक्कत होती है, बस यही बात है। और बाकी नाल झाड़ू ये सब सही चल रहा है, लाइट की व्यवस्था रहती है, लाइट का आना जाना तो आप शुरू हो गया। अब क्या है कि इसका सुधार अगर होगा तो और पानी ढंग से निकल जाएगा। हमारी रह गई बात, तो जो नाली है जो कचरा जाम है वो जब साफ होगा तो अपने आप जो है तो सही हो जाएगा। जनता ने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, वहीं स्ट्रीट लाइट से लेकर साफ सफाई और बुनियादी दिक्कतें भी आम जनमानस को परेशान कर रही हैं। नगर के सबसे पुराने जगतदेव तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए भी कई बार फाइलों पर प्लान तो बने लेकिन वे जमीन पर नहीं उतरे। बाढ़ में क्या क्या समस्या है। बहुत समस्या, नाली भर जाती है, किसी का घर अभी बने नहीं है, और ये पानी निकलता नहीं है। कब दिक्कतें आती है। बरसात में हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। अभी चलिए दिखाते हैं, नाली भरी हुई है, अभी नाली का पानी नहीं निकल रहा। तो हाँ, तो नाली सब जगह की जाम, तो नाली पानी भर जाती है, मतलब हमेशा निकलता है, जब से पूरा मतलब वो हुआ तब से निकलता है। कभी छोटे फब्बारे लगाकर वाहवाही लूटी गई तो कभी सफाई अभियान चलाकर जनता का भरोसा जीता गया। हाल ही में अमृत योजना के तहत इस तालाब को विकसित करने की योजना बनाई गई जिसे MIC ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन फाइल से निकल कर काम जमीन पर नजर नहीं आया। मैं पहली समस्या तो ये बताऊंगा कि जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो चला है इसमें पहले हम लोगों ने कॉलेज में इनसे रहे नगर निगम के जो अधिकारी उनसे निवेदन किया गया था कि जिसके पास पट्टा है तो ठीक है उसको आ रहा, जिसके पास पट्टा नहीं है तो उन्होंने ये कहा था कि जो टैक्स की रसीद देते हैं और टैक्स की रसीद लगा दीजिए और फार्म भर दीजिए पैसे आ जाएगा। वो बेचारे आज दो साल से इन्हें इतना परेशान ही यहाँ के लोग जिनका नहीं आया है, जिनका आ गया है तो ठीक है आया भी है ये बात नहीं है, पर जिसका नहीं आया वो बहुत परेशान है। और लास्ट किस्त अभी कम से कम 10-15 आदमी के अभी लास्ट किस्त इतने
दिन हो गए अभी तक लास्ट किस्त उनका नहीं आई है, अभी उनका घर मकान पड़ा है, ये समस्या हो गई। यहाँ पे नाली का साफ सफाई होती है लेकिन उस ढंग से इन्हें सबक सफाई भी हो नहीं पाती है, और ये नाली बनी है, ये नाली बनाई गई है, ये नाली में एकदम लीपा पोती किया गया, वही इसमें नगर निगम की तरफ से जो आपके महापौर जी हैं और कमिश्नर जी हैं ये बिल्कुल ध्यान लोगों का मतलब आकर्षित नहीं करवा रहे हैं ऐसी जगह। पार्षद पति का आरोप है कि कई बार इस संदर्भ में निगम का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पत्र लिखा गया, फिर भी कोई मतलब नहीं निकला। घनी आबादी वाली यह बस्ती मार्केट से जुड़ी है, बरसात के मौसम में बाढ़ तालाब में तब्दील हो जाता है, यहाँ पर नगर निगम द्वारा पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड में सफाई का आलम यह है कि नालियाँ चोक पड़ी हैं, BLC घटक के तहत यहाँ लोग मकान बनवा रहे हैं, जो राहत की बात है। सुशील सिंह का कहना है कि नगर निगम ने हमेशा मेरे वार्ड की उपेक्षा की है, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होता, इसलिए उन्हें जनता की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। आपके वार्ड में क्या कैसी समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य हो रहे हैं? समस्याएं तो सबसे ज़्यादा है जल निकासी का अतिक्रमण का, और वर्तमान में एक और नया आ गया मुद्दा सीवर लाइन का। सीवर लाइन में जैसे खोदी गई है तो यहाँ से तो इतने गड्ढे हो गए हैं कि निकलना मुश्किल हो गया, इस पर किस तरह का? ये पूरी तरह से सीवर लाइन के साथ हमारे नगर निगम की लापरवाही है, मन मौजी काम चल रहा है, सीवर लाइन तो पड़ रही, कहीं बेस नहीं पड़ रहा है, कहीं ज़बरदस्ती का ईंटे पत्थर डाल के पाइप डाल के ढका जा रहा है, और महीनों हो गए ये बाढ़ में काम होली से शुरू हुआ है आज तक नहीं शुरू हो गए पूरा का पाई लोग चार गलियों को। अगर आयुक्त महोदय से बोला गया कि ये काम गलत कर रहे हैं तो आयुक्त महोदय ने कहा कहीं बेस पड़ता है कहीं नहीं पड़ रहा एस्टीमेट में, तो हमने उनसे एस्टीमेट मांगी कि भाई एस्टीमेट दे दीजिए कि किस तरह उनको पाइपलाइन बाढ़ में पड़ना है, तो आज तक एस्टीमेट नहीं भेजा गया। वार्ड का सबसे प्रमुख मुद्दा दादा अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो अतिक्रमण पर मतलब क्या नगर निगम कार्रवाई नहीं करता या कि कुछ और ऐसी मतलब सीटी बजाते हैं खड़े होते हैं चले जाते हैं आधे घंटे से, कुल मिला के नगर निगम की मिली भगत है, अतिक्रमण शाखा की मिली भगत है और ऊपर भी हो सकते हैं, अगर नहीं हट रहा तो कहीं ना कहीं से तो है। और आपका सतना जिले का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, यहाँ पे भी आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप रामपुर नागौर कोठी से आ जाओ पाटन से आ जाओगे हॉस्पिटल के पास, अगर हॉस्पिटल के पास पहुँचना मुश्किल हो जाता है इतना अतिक्रमण। कभी जब सरकारी अमला या मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी या कलेक्टर साहब आते हैं तभी अतिक्रमण हटाया जाता है, बाकी टाइम यह जमन रहा था जिसके प्रसार। और आपके वार्ड में बरसात के समय इतना पानी भर जाता है कि लोगों घर भी डूब जाते हैं आधे, तो उसमें किस तरह निकासी होती है और कैसे क्या व्यवस्था रहती है? भगवान भरोसे है निकासी, नाला है एक नाला है उसी पर पूरी कॉलोनी टिकी हुई है, पूरा वार्ड टिका हुआ है, फिर माई नाला में जाके ये नाला जुड़ता है, ये नाले में आपके सिविल लाइन का बगहा का पानी आता है, अगर नाला जस के तस पड़ा हुआ नाला के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये भरने से आई है जब मन पड़ेगा तो देख लेंगे, खैर भाई नाला बन चुका मगर इन नालों पर बार बार कह रही है कहते टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया अब काम होने वाला है, आज काम लगेगा कल काम लगेगा, जब तक यहाँ जबकि यहाँ पे सर्किट हाउस है, रेलवे स्टेशन है, कन्या महाविद्यालय PG कॉलेज है, जिला चिकित्सालय है, सपना शहर का एक जीवित पार्क है, जगत देव तालाब है, जगत देव तालाब के साथ भी ऐसी तरह चल रहा काम, वहाँ पे अगर काम स्मार्ट सिटी का चल रहा तो उनका कहना कि अब कोर्ट से स्टे लगा हुआ है, जबकि साल हो रहे हैं तो स्टे वैकेट नहीं करवा पाए नगर निगम। कुल मिलाकर सतना के दूसरे वार्डों की तरह वार्ड क्रमांक 25 भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, हमारी कोशिश है कि जनता की ये समस्याएं जिम्मेदारों तक पहुंचें और उनका समाधान निकाला जा सके। ट्रैफिक टाइम के लिए मनीष तोमर के साथ अंबिका केसरी की रिपोर्ट।